तेलंगाना सरकार द्वारा हरित हारम कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू किया जा चुका है। तेलंगाना में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से हरित हारम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब इसका तीसरा साल चल रहा। तेलंगाना सरकार द्वारा हरित हारम का लक्ष्य तेलंगाना को एक ग्रीन सिटी बनाना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी ने तेलंगाना की हरित हारम की शुरुआत शुक्रवार 3 जुलाई 2015 को की। वर्तमान समय में राज्य का सिर्फ 24% भाग पेड़ों से ढका हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य राज्य में 24% पेड़ों से ढकी भूमि को 33% तक बढ़ाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के उपाय किए जाएंगे, एक अधिसूचित वन क्षेत्रों में कार्य और दूसरा अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहर कार्य। पहले उद्देश्य के लिए वनों को पुनः हरा भरा करना होगा और गैर कानूनी व्यापार रोकना होगा। वनों की रक्षा करनी होगी और वनों को आग से बचाना होगा और मिट्टी और नमी का गहन संरक्षण किया जाएगा। दूसरे उद्देश्य के लिए सड़क के किनारे, नदी और झील के किनारों पर, बंजर पहाड़ियों पर, भवनों के आसपास, पार्क आदि में पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। इस प्रकार वातावरण के संतुलन और सब जीवों के लिए उचित पर्यावरण बनाए रखने के लिए इस योजना को अपनाया गया है।